दोस्तों रियूज कंटेंट पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जिससे दोस्तों नए क्रिएटर से लेके पुराने क्रिएटर तक बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो क्रिएटर है ना वो भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता हो कि आपके चैनल पर लाखों में सब्सक्राइबर है, आपके चैनल पर मिलियनों में व्यूज आ रहे हैं, आप उस चैनल से आप बहुत अच्छा खासा पैसे भी कमा रहे हो ना, फिर भी दोस्तों अगर आपके चैनल पर रियूज कॉन्टेंट आ जाता है तो आपका जो मतलब चैनल वो डिमोनिटाइज कर देगा यूट्यूब की तरफ से। यानी दोस्तों अगर आपका चैनल बहुत अच्छे खासे चल रहा है ना, अगर YouTube के नजर से अगर आपको रियूज कंटेंट दे देगा तो आपका चैनल है ना वहां पर डीमोनिटाइज कर देगा। या दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर न्यू चैनल को ओपन किए हो, आप न्यू क्रिएटर हो, आप वहां पर मेहनत करके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 जो घंटे की वॉच टाइम होता है उनको कंप्लीट करके आप अपने चैनल को अप्लाई करना चाहते हो मोनिटाइजेशन के लिए, तो वहां पर भी अगर आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आ जाता है तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, आपको YouTube की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो रियूज कंटेंट पॉलिसी होता है वो इनका कारण होता है। ठीक है, जिससे बहुत सारे नए नए क्रिएटर से लेकर बड़े बड़े क्रिएटर तक है ना वो परेशान है। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों YouTube ने एक बहुत ही अच्छा अपडेट निकाल दिया है जिसके बाद दोस्तों अब आपको रियूज कंटेंट से आपको डरना नहीं है। तो आखिर ये मतलब ये अपडेट है कैसा, आपको रियूज कंटेंट से क्यों नहीं डरना चाहिए, तो मैं सारा चीज आपको सारा जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आप लोग को सटीक जानकारी और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों में बताता हूँ, एक चीज क्लियर करता हूँ कि आखिर YouTube ने अपडेट तो निकाला लेकिन ये अपडेट नहीं निकाला दोस्तों कि आपका जो रियूज कंटेंट पॉलिसी है वो पूरी तरीके से हटा दिया या दोस्तों आपका रियूज कंटेंट जो पॉलिसी था वो है ही नहीं। नहीं दोस्तों, रियूज कंटेंट पॉलिसी है जो जैसा था वैसा ही है, लेकिन दोस्तों रियूज कंटेंट से जो रिलेटेड जो मतलब की अपील वीडियो होता है ना उसमें अपडेट निकाला है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग को तो पता हुआ कि यूट्यूब है जो कि आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट निकालता है कि जो मेरा क्रिएटर है उसको कोई भी परेशानी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ठीक इसी अपडेट में से एक ऐसा अपडेट ये भी है जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर जो रियूज कंटेंट पॉलिसी है उसमें तो चेंज नहीं हुआ है, वो जैसा था वैसा ही है कि आपको अगर कोई गलती करोगे तो आपको रियूज कंटेंट देगा ही देगा। लेकिन दोस्तों ये अपडेट निकाला यूट्यूब वो आपके अपील वीडियो से रिलेटेड है। दोस्तों पहले क्या होता था, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बताता हूँ। जैसे पहले क्या होता था कि अगर आपके चैनल पर कोई भी रियूज कंटेंट आता था तो दोस्तों आपको यूट्यूब में जो कि आप लोगों को नहीं बताता था, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता था, डायरेक्ट यूट्यूब जो कि आपके चैनल पर रियूज कंटेंट दे देता था और दोस्तों वहां पे आपका चैनल है जो कि डीमोनिटाइज कर देता था। या दोस्तों अगर आपका चैनल मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर वहां पर भी आपको रियूज कंटेंट आ जाता था तो आपको वहां पर रिजेक्ट कर देता और लेकिन यहां पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता था कि आखिर क्यों आपके चैनल को डीमोनिटाइज किया गया, क्यों आपका क्या प्रॉब्लम था, ये कुछ भी नहीं बताया जाता था। लेकिन दोस्तों ये जो यूट्यूब अपडेट निकाला दिन उसके दोस्तों अगर आपके यूट्यूब पर कोई भी रियूज कंटेंट आ रहे हैं, दोस्तों मान लो कि अगर आपका चैनल मोनिटाइज है तो आपके चैनल पर अगर रियूज कंटेंट आ रहा है ना तो YouTube आपको एक हफ्ते पहले यानी कि 7 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करेगा, यानी कि ईमेल पर आपको मेल करेंगे कि आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आने वाला है, आप उसके लिए सतर्क हो जाइए और दोस्तों आपके चैनल पर जो भी ऐसा वीडियो उसको आप डिलीट करके एक अपील वीडियो बनाइए जिसको मैं देखूंगा, उसके बाद दोस्तों आपका जो चैनल है फिर उनको रिव्यू करूंगा, अगर सही पकड़ा जाता है कि मेरे तरफ से कोई गलती किया गया तो आपका चैनल वो फिर से मोनिटाइज कर दिया जाएगा, अगर डिमोनिटाइज कर मतलब रहेगा तो। ये दोस्तों अगर मान लो कि सही पकड़ा गया कि आप रियूज कंटेंट पॉलिसी को आप उल्लंघन किए हो तो आपका चैनल वहां पर रिजेक्ट कर सकता था या दोस्तों आपका चैनल डिमोनिटाइज कर देगा। ठीक है, ये मतलब फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ अपील वीडियो से रिलेटेड है कि आपको पहले क्या था कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता था कि आपको मतलब कि चैनल पर रियूज कंटेंट आ रहा है या दोस्तों आपको रियूज कंटेंट आप उल्लंघन कर रहे हो, लेकिन अब आप लोगों को सारा चीज जानकारी देता है कि आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आ रहा है, आप उसको आप अपील वीडियो बनाइए, अपील वीडियो को वो देखता है देन उस पर आपको बताया जाता है। लेकिन दोस्तों मान लो कि आप अपील वीडियो बनाए हो, 7 दिन में वो अपील वीडियो देखेगा, आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया हो तो वो 7 दिन पहले अगर आपको इन्फॉर्म करेगा तो वो वीडियो वो देखेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका अपील वीडियो वहां पर कायम नहीं रहता यानी कि दोस्तों आपका अपील वीडियो से उनको समझ में नहीं आता है, उनका जो अपील वीडियो आपको विफल हो जाता है यानी कि खराब हो जाता है, दोस्तों फिर से आपको वो रिजेक्ट कर देगा, आपका चैनल डिमोनिटाइज कर देगा, फिर से आपको 21 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर से आप वहां पर अपील वीडियो बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही था जो मतलब छोटा सा अपडेट था, ये नहीं कह सकते कि आपका जो यूट्यूब है जो कि पूरी तरीके से जो रियूज कंटेंट था उसको चेंज कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये सिर्फ अपील वीडियो में थोड़ा सा चेंज किया है कि पहले बताया जाता था मतलब सॉरी पहले नहीं बताया जाता था कि आपके चैनल पर रियूज कंटेंट आने वाला है, लेकिन अब बता देता है कि आप अपील वीडियो एक बनाकर मुझे डालिए, ठीक है, उसको रिव्यू करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपडेट निकाले। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूट्यूब है जो कि किस तरीके से अपडेट निकाला है। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।